दोस्तों कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर अपना प्लेस करते हैं तो वहाँ पे उनको ऑर्डर को जो चेंज करने का डेट चेंज करने का डे होता है वो ऑप्शन ही नहीं दिखता है उन्हें। जैसे मैं फ्लिपकार्ट में आपको लेके जाता हूँ और यहाँ पे जब हम फ्लिपकार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे हमें जो ऑर्डर है हमारा उस ऑर्डर पे जो डेट है जिस डेट पे हमको ये वो ऑर्डर मिलेगा उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑर्डर किया और इस ऑर्डर पे जाके मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे सब कुछ ऑर्डर दिया गया है लेकिन यहाँ पे ऑर्डर डिलीवरी चेंज करने का जो ऑप्शन होता है वो नहीं हमको शो हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? तो देखिए तुरंत तुरंत आपने ऑर्डर किया होगा और यहाँ पे आप डिलीवरी का डेट देख लेते हैं और आपको मन होता है कि तुरंत हम इसे चेंज कर दें तो तुरंत नहीं कर सकते हैं। आप तब तक चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक शिफ्ट एक्सपेक्टेड नहीं आ जाए, यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो जाए आपका प्रोडक्ट तब तक आप प्रोडक्ट को डेट और डिलीवरी डे चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका प्रोडक्ट शिफ्ट हो जाएगा आपको डिलीवरी डे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है या प्रॉब्लम उनको हो जाती है आखिर ये ठीक कैसे होगा या उनके मोबाइल में ये ऑप्शन आ क्यों नहीं रहा है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है जैसे ही प्रोडक्ट शिफ्ट हो जाएगा आपके प्रोडक्ट का जो डिलीवरी डे होता है वो चेंज करने का ऑप्शन भी आपको बगल में ब्लू कलर में लिखा हुआ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।